हिंदी शॉर्ट हैंड में पार्ट 7 के भाग खा में मानक पीटमेंट में डैश यानी टीक वाला हा के बारे में पढ़ाया जा रहा है। जब हा शुरू में हो, हा के बाद माला रौ हो और रा में आड़ा भी हो, तब हा हमेशा टीक वाला होगा। जैसे आपको लिखना है होली, तो हा हा और ला, तो ओली स्वर रिप संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे हेमा, ए और मा, हेमा, हा टीक वाला होगा। कंडीशन बिलोंग करेगा तब, यानी जब हा शुरू में हो, हा के बाद माला रा हो, तब रा के पहले ई आ गया तो लेफ्ट में दिए। जैसे हीरो, ई और ओ। जैसे हील, ईल। जैसे हच, हा के बाद माला रा नहीं है तो पूरा दिया। जैसे हट, हा के बाद माला रा नहीं है तो पूरा दिया। जैसे आहार, हा शुरू में नहीं आए, कंडीशन बिलोंग नहीं किया, शुरू में भी होना चाहिए और हा के पहले स्वर नहीं होना चाहिए। हज, 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 यानी जो रूल बिलोंग ना करे तो उसमें हा आप अपवर्ड और डाउनवर्ड जो ओल्ड वाला है वो देंगे। अब सीखेंगे डॉट वाला हा, बिंदु वाला हा। जब आप ऐसे जा रहे हो तो डैश ऐसे कर देना, ये डॉ, हाँ डॉट, दो टो डॉट देना डबल। इसका जो है चार्ट याद करना पड़ेगा स्वर के तरह, जैसे हा है हाउ, ये दो सिचुएशन के अनुसार प्लस वन पे जाएगा। हा हे हो, ये दो सेकंड पे जाएगा। ही हु, ये दो थर्ड पे जाएगा। इसका कंडीशन है, इसका कंडीशन क्या है कि जब हा बीच में हो, लंबा शब्द में स्वर के तरह, या एज यू विश आपकी मर्जी, देना हो तो दो वरना छोड़ दो। शहंसा, शाह, हा छोड़ दो, हा सेकंड पे आ रहा। शहंशाह, महाराजा, तो मा रौ ज, महा रौ ज। पहलवान, तो प ल व और न, तो पहल वान। चहल पहल, च ल प ल, चहल पहल। तो आज की पढ़ाई हो गई। थैंक यू।